ये माता समझा रही है, जानकी जी की माँ समझा कर भेज रही है, जबकि जानकी जी सब कुछ जानती है, वो जगत जननी है, वो सब जानती है। लेकिन अब माँ बता रही है कि तू अब ससुराल जा रही है, तुझे कैसे रहना है, ससुराल में परिवार को जोड़ कर रखना है, सबके हृदय पर साम्राज्य करना है, सबकी तिजोरी पर साम्राज्य नहीं करना। आज आते ही बहू, इस घर पर हमारा अधिकार है, जो कमाया है उस पर हमारा अधिकार है, पर क्या सेवा करने पर आपका अधिकार नहीं है? बुजुर्गों को रुलाने का अधिकार है तो क्या उसको खिलाने का अधिकार नहीं? ये वेद कहता है स्वस्वरे साम्राज्यी भव, वेद उपदेश करता है अब तू जा रही है तो सबके हृदय पर राज्य करना। ये जानकी जी को समझा रही है मां, बेटा तेरा लज्जा आभूषण बनेगा, कोई बात नहीं, तेरे होठों पर लाली हो या ना हो पर तेरे होठों पर सदा मुस्कुराहट रहनी चाहिए, तेरी आंखों में काजल हो या ना हो पर तेरी आंखों में लाज शर्म होनी चाहिए, तेरे पैरों में पायल हो या ना हो पर तेरे पैर सही स्थान पर जाने चाहिए, तेरा चाल चलन ठीक होना चाहिए, महंगे शरीर पर तन पर कपड़े हो या ना हो, बहुत ज्यादा महंगे कपड़े नहीं है, क्योंकि बहुत ज्यादा गहनों से और महंगे कीमती वस्त्रों से शोभा नहीं है स्त्री की, उसके सुकर्म से उसके व्यवहार से उसकी शोभा है। बेटा ऐसा जीवन बना के रखना है कि उस परिवार को जोड़ना है। तू यहां से जा रही है माता पिता छोड़कर, तुझे माता पिता वहां मिलेंगे। मैंने हर एक माँ समझाती थी बेटी को ससुराल जाने से पूर्व, आजकल देखने में आता है कि माताएं फोन करके कहती हैं तू चिंता मत कर, बस ससुराल जा, कोई बात हो तो एक फोन कर देना, हम सब देख लेंगे। घर को जोड़ने की परंपरा कौन देगा? ये सुनेना समझाती है, बेटा आपको ऐसा जीवन जीना है जाकर के, वो तेरा ही अपना घर है, बड़े छोटे का सम्मान, आए हुए अतिथि का सम्मान, संतों का सम्मान, ये तेरा ही परिवार है, इतनी सीख देते हैं। विदा हुई बेटी, जनक जी भी रो पड़े, सुनेना भी रुदन करती है, पर एक दिन बेटी को तो जाना पड़ता है। कई बार बेटी प्रश्न पूछती है, माँ ऐसा क्यों होता है, तूने मुझे भी तो जन्म दिया है, तूने भाई को जन्म दिया तो मुझे भी तो दिया है, फिर तू मुझे दूर क्यों भेज देती है? कई बार बेटी प्रश्न करती है, क्यों भेज देती है तू मुझे दूर, क्या मैं तेरे ऊपर बोझ बन जाती हूँ, तू मुझे क्यों दूर भेजती है? तो वहां समझाते हैं कि बेटियां तो धान की फसल के जैसी होती हैं, धान की फसल माने चावल की खेती, धान की फसल को कैसे रोपा जाता है, एक जगह से उखाड़ कर दूसरी जगह पर सींचने में ही धान की फसल का विकास है, ऐसे ही तुझे यहां से हटाकर वहां भेजने में ही वृद्धि है, विकास है। ये तो धान की फसल के जैसी बेटियां हैं, लेकिन कर्तव्य देखिए, विदा करके गई हैं जानकी, तो जितना शिक्षा सीख माने उधर दिए उतना ही यहां दशरथ जी कौशल्या को आते ही कह रहे हैं, वधु लरकनी पर घर आई राखो नयन पलक की माही। कौशल्य ये बेटियां हैं, ये अनजान हैं, अभी समझदार नहीं है, ये पराए घर से आई हैं, इसको तुम्हारे घर के तौर तरीके नहीं पता हैं, अभी ये अनजान हैं, अबोध हैं, बालक हैं, तुम इनकी माँ हो, इसलिए इनकी रक्षा और सुरक्षा तुम्हें करनी है। ये दशरथ जी कौशल्या को समझा रहे हैं, और सामान्य रूप से रक्षा सुरक्षा नहीं करनी। चौपाई कहती है,
वधु व लड़कनी पर घर आई, ये तुम्हारे घर आई हैं, इनकी रक्षा सुरक्षा कैसे करनी है? राखव नयन पलक की माई, जैसे ये पलक ये पुतलियां हमेशा नेत्रों की रक्षा करते हैं, कोई कूड़ा गिरने से पहले बंद हो जाती है, माने हमेशा जैसे नेत्रों की रक्षा ये पलक किया करते हैं, वैसे तुम्हें अपनी इन बेटियों की रक्षा सुरक्षा करनी है, तुम्हारा ये कर्तव्य है कौशल्य। कितने ऊंचे विचार हैं। वहां पर दशरथ जी ने ये नहीं कहा या कौशल्या जी ने ये नहीं कहा, देखो जाकर कितना दहेज लेकर आई है। वहां संस्कारों की कीमत है, गुणों की कीमत है। जब आप अपने घरों में गुणवान संस्कारवान बेटियों को लेकर आओगे, बहुओं को लेकर आओगे, तो निश्चित रूप से माँ भी संस्कार देना शुरू करेगी। पर क्योंकि आज तो समाज में कीमत धन की है, बेटी के संस्कारों की नहीं है, तो माँ बाप भी सोचते हैं धन कमा लो, इकट्ठा कर लो, धन का पोटला दे देना, बेटी में संस्कार नहीं भी आए तो क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि संस्कारों की मांग आज है किसको? आज संस्कार नहीं चाहिए, धन चाहिए। धन के लोभ में आज परिवार बर्बाद हो रहे हैं। कदाचित हमने इस कुरीति को न फैलाकर हमने ये अपने बच्चों को समझाया होता, बेटा इतना अपने अंदर इतनी क्षमता पैदा करना कि खुद भी तुम कमा के खा सको और अपनी उस पत्नी को भी खिला सको, माता पिता को भी खिला सको। ये सम्मान यदि हमने दिया होता तो परिवार आज टूट नहीं रहे। न सीख माँ दे रही है बेटी को और न सीख आज बड़े बुजुर्ग रहे हैं, सब तितर बितर हो रहा है। मैंने उस दिन भी कहा था, एक पहिए से गाड़ी नहीं चल पाई। मैंने रोते हुए देखा है उन बेटियों को जिनमें तमाम गुण हैं पर केवल दहेज लेकर नहीं आई है बहुत सारा, इसलिए उनकी कोई कीमत नहीं है। मैं हर क्षेत्र में समाज में जाती हूं और रोती हुई उन बहनों के आंसुओं को मैं जब महसूस करती हूं, तुम्हें क्या चाहिए ये तुम चुन लो, तुम्हें संस्कारवान बहू चाहिए, बेटी चाहिए घर में, या धन का पोटला चाहिए? वो धन तो कभी ना कभी समाप्त हो जाएगा, अगर गुणवान संस्कारवान आपके घर में बहू आ गई तो चाहे तुम्हारे घर में कुछ नहीं है, वो तुम्हारे खंडहर घर को स्वर्ग बना देगी अपने संस्कारों से। अब तुम निश्चय कर लो क्या चाहिए।